देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल हुए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से अब तो इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनएमसी बिल सदन में पास कराने को लेकर दिल्ली सहित देश के तमाम बड़े अस्पतालों में डॉक्टर विरोध के चलते हड़ताल कर रहे हैं और उससे परेशान है मरीज, दर बदर भटक रहे हैं मरीज। और दूसरे दिन भी यही स्थिति दिखाई दी। जहांगीरपुर स्थित बाबू जगनराम अस्पताल में मरीजों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अमरनाथ जी कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कत है आपको? मेरे को मुकंदपुर में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पे इन्होंने पुलिस वाले जिप्सम डाल के यहाँ पे ले आया, पुलिस वाले चले गए और अब तक कोई इलाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कितना समय हो गया अमरनाथ जी? क्योंकि 2 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जिस तरह से हॉस्पिटलों में स्ट्राइक चल रही है वो तो आपको पता होगा क्या सरकार? मुझे कुछ नहीं पता सर, स्ट्राइक चल रही है क्या चल रहा है कुछ, यहाँ पे बोर्ड भी तो लगा सकते हैं कि हाँ स्ट्राइक चल रही है, पूरी हॉस्पिटल बंद कर दो या तो नहीं करना, तो आधा काम चल रहा था बंद है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। सलमा जी क्या हुआ, अभी आप हॉस्पिटल आए हैं, क्या परेशानी थी और क्या व्यवहार है आपके साथ? अंदर जाने दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हड़ताल है, हड़ताल है। हाँ, तो आपको आज का समय दिया गया था प्लस्तर कटाने का? कितने समय पहले आपको इस समय? एक महीना हो गया। अभी आपको किस तरीके से बाहर निकाला? पहले चले निकलो, कल आना हो। किसने? पुलिस वालों ने या गार्ड ने? आपको बता दें कि हालांकि आज दूसरा दिन है हड़ताल का, जहां मरीज वापस लौट रहे हैं, सभी किसी न किसी तरह से परेशान हैं, लेकिन जहांगीरपुर के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कहीं कहीं मरीजों का इलाज भी चल रहा है और हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हड़ताल क्यों की जा रही है, क्योंकि एनएमसी बिल का विरोध जता रहे हैं डॉक्टर। चलिए जानते हैं इस हड़ताल के बारे में। जब अस्पताल की एमएस प्रतिभा नंदा से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, किन मुद्दों के बारे में जानकारी दी? मैम ये जो हड़ताल है किन चीजों को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताइए। डॉक्टर प्रतिभा नंदा एमएस बीजेआरएम हॉस्पिटल से मेरा परिचय है। हड़ताल कुछ मुद्दों की वजह से है जो मैं समझती हूँ कि बैठ करके बातचीत करके सुलटाए जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को बुला करके और इनके ऊपर व्याख्यान देना चाहिए, क्लैरिटी लेके आना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। मैम जो सदन में बिल पास हुआ ये कितना कारगर साबित हुआ है? ये तो समय ही बताएगा कि कितना कारगर साबित होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ सोच विचार करके ही इसे पास किया गया होगा। सो वो चीजें डॉक्टर्स को भी बतानी जरूरी हैं जो हड़ताल पे इस समय बैठे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या सोच करके ये बिल पास किया है और वो क्यों चाहते हैं। मैम इस हड़ताल का कितना सपोर्ट करते हैं आप या नहीं करते हैं, एक बार अपनी प्रतिक्रिया बताइए। हड़ताल होने से प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हड़ताल तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो भी मन में संशय है उसको दूर करना और करवाना आवश्यक है। मैम बिल है और जिस तरह से ये सारा हड़ताल चल रही है, इस पे आपकी पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है, क्या इससे बेस्ट क्या हो सकता है, क्या राय है आपकी इस पे? मैं सोचती हूँ कि जिन इंटीरियर एरियाज में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता है इलाज का, वहाँ पर हम इनको ट्रेनिंग दिए हुए डॉक्टर्स को, सो कॉल्ड डॉक्टर्स को आप यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि एक डायग्नोसिस बन सके और मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सके। तो मैम क्या आपके हिसाब से लगता है कि हॉस्पिटलों में जो अपना सिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इतनी कमियां है कि जो ऐसे डॉक्टरों को यहाँ पे लाया जाए और जरूरी है या नहीं है? नहीं, मैं ये फिर दोहराऊंगी कि सिटी के हॉस्पिटल्स की बजाय इन्हें वहाँ यूटिलाइज किया जाए जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी रहती है और एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते। तो कहीं ना कहीं जो ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर के कारगर से सेमी अर्बन एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, इंटीरियर के एरियाज हैं जहाँ पर किसी तरह की भी सहूलियत नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचने की, वहां पर हम इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। दिल्ली के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं हड़तालों पर? जी हाँ,
क्योंकि एनसीआई का मुद्दा जो है सदन में पास हुआ था जिसको लेकर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के बाबू चर्चा राम मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है। जो यहां के मरीज हैं वो उन्हें जो है ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी केस हैं उन्हें तो अंदर लिया जा रहा है लेकिन बाकी लोगों को बाहर भी भेजा जा रहा है। जब हमने इस मुद्दे पर यहाँ के MS पतिवानंदा से बात करी तो उन्होंने बताया जो ये बिल पैस हुआ है कहीं ना कहीं किसी मान्यता नहीं सही है, लेकिन डॉक्टर्स क्यों इस पर हड़ताल पर है ये उन्हें सोच विचार कर लेना चाहिए। मैं अपने सहयोगी IIM के साथ कमल कुमार का, न्यूज़ इंडिया दिल्ली।